बंदोबस्त में हुए भूमि घोटाले की जांच न होने पर 6 बुजुर्ग 75 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। हमीरपुर गांधी चौक पर भूख हड़ताल पर बैठे हमीरपुर के विकास नगर के बाशिंदे फिलू राम, कमलेश, करमचंद, शक्तिचंद, कालिदास और रामपाल बंदोबस्त को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि बंदोबस्त के समय 100 कनाल सरकारी भूमि, जिसकी कीमत करीब 15 करोड़ बनती है, भूमि को मलकियत में तब्दील किया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि भूख हड़ताल के बाद भी प्रशासन नहीं जागता है तो उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। फिलूराम का कहना है कि बार बार प्रशासन से जांच की मांग की गई है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि टीका दुडूही की जमीन का रिकॉर्ड सुरक्षित नहीं है और इस्तेमाल साल 1965-66 की असल नक्शा मोमी को नष्ट कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि 2006-2007 में हुए बंदोबस्त का अक्स व खसरा नंबर साल 1965-1966 से नहीं मिल रहे हैं और विभाग भी इसकी दुरुस्ती नहीं कर रहा है। गौरतलब है कि करीब एक माह पहले से ग्रामीण विकास नगर में करोड़ों रुपए की भूमि घोटाले को लेकर जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने भी इस मामले में लीपापोती करते हुए गांव में जाकर रिकॉर्ड की पड़ताल की थी, जिस पर ग्रामीणों की सब्र का बांध अब टूट चुका है और ग्रामीणों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। हमारा बंदोबस्त हुआ 2004 से लेकर 2010 तक, और बंदोबस्त के दौरान जो है टीका दुडूही को विभाजित किया गया, और विभाजित करने के बाद उसके तीन जो है मोहाल बनाए गए, उपमाल, विकास नगर, दुडूही और गोपाल नगर। और गोपाल नगर इन्होंने कागजी बनाए मौके पर, कोई सीमा ना बुर्जी ना सैदा कोई कायम नहीं किया गया, सिर्फ कागजी किए गए, क्योंकि बंदोबस्त पहले से फिक्स हो चुका था। भूव्यवस्था विभाग और ये राजस्व विभाग जो है इनका आपसी जो है इनमें फिक्स था, और इन्होंने क्या किया कि हमारी जो तहसील कार्यालय हमीरपुर में मोमी है, मोमी को नष्ट किया। मोमी जो है सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, अगर हमारा रिकॉर्ड ही सुरक्षित नहीं है तो उसके बाद बंदोबस्त किस चीज़ का किया गया। तकरीबन 70 से 100 कनाल का गोलमाल हुआ, सरकार को 15 करोड़ का जो वो हानि पहुँचाई गई है। और हमारी हड़ताल जो है अभी 75 घंटे की है, और 75 घंटे के बाद हम चाहेंगे कि हम माननीय हमने ये हाई कोर्ट में PIL डाली थी और उसकी इंक्वायरी आई थी, इन्होंने इंक्वायरी जो है उसको भी गोल कर दिया। तो हम चाहेंगे कि इसके बाद हम खुद जाकर जो है माननीय हाई कोर्ट के श्रीमान मुखिया न्यायाधीश जो हैं उनसे हम सीधे मिलेंगे। के बाद भी आपका कुछ नहीं बनता है? क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें नए पालका के ऊपर पूर्ण विश्वास है, और यहाँ जो है यहाँ जितने भी हैं, कोई पटवारी 12 साल से बैठा है, कोई पहले बैठा रहा, अभी ये जो है डॉक्यूमेंट फाड़ते हैं, और यहाँ पर जितने भी हैं अभी तहसीलदार साहब हैं, 6/7/2018 को जो है विकास नगर में गए थे, मगर वहाँ पर इन्होंने क्या किया कि जैसे वो ये टूर पे जाते हैं कहीं भी, वैसे गए पैमाइश किया, कोई भी वहाँ पर जो है इनको ये इनका खसरा नंबर आलम सवाबी के अनुसार कायम ना हुआ, और इन्होंने क्या किया कि उधर से भागने की कोशिश, आज तक रिपोर्ट नहीं हुई है, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, और इसमें जो है वो ज़्यादातर अफसर और ये जो है बहुत दूर तक ऊपर तक जो है इसकी ये हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार जो है भ्रष्टाचारियों को बंद किया जाए, और हमें दे बंदोबस्त को कैंसिल कर दोबारा किया जाए, और उसके बाद क्या जो गांव में रहते हैं वो क्या आदमी जमीन का मालिक है वो गुलाम है इनका, गलती ये लोग करते हैं, और दुरुस्ती हम कराएं क्यों? दुरुस्ती हम तब कराएंगे अगर हमने कोई उस पे मुसाबी पे या किसी जगह लाइन लगाई और खुद गलत लाइन है, तब तो हम जाएंगे। इनको जो है बर्खास्त किया जाए जो इसमें स्कैंडल में ये थे, और बंदोबस्त को दोबारा किया जाए। अगर दोबारा बंदोबस्त नहीं होता है तो हमें जो है फिर ये नए पालिका और भगवान परमात्मा के अलावा हम किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं कर सकते, तो हमें नए पालिका के ऊपर पूर्ण विश्वास है। और ये जो है यहाँ लूट घसूट और भ्रष्टाचार में शामिल जो हैं उनको संरक्षण प्राप्त है, और संरक्षण प्राप्त होने के कारण वो लोग जो हैं वो दिन प्रतिदिन जो हैं वो और लूट करते रहे।